बैग इतना इजी नहीं है, देखिए हाथ वगैरह फुल टाइम लाल हुए हैं। ओए होए क्ले टाइप मोए मोए हो गया ये तो भाई। मिट्टी देखो आप लोग कितनी है। यहाँ हम लोग फंस गए हैं, जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज सही वाली। और ये बाइक मट्टी में धस रही है। अरे हे हसन भाई गिर गए, फुल टाइम लॉक हो गया बिल्कुल अगला व्हील। यहाँ भी वो इतनी ही रहते हैं, मगर यहाँ का हिसाब किताब ये है कि आमदोरफ नहीं है ना, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है, लेकिन जैसे ही हम अपना टायर गुजार रहे हैं ये भी सॉफ्ट हो रहा है। अच्छा। अरे भाई फ्रंट व्हील नहीं घूम रहा, कीचड़ लॉक हो गई। नहीं निकला। अबे भाई फुल टाइम दलदल हो रहा है। क्लच प्लेट्स का बड़ा ख्याल रखें, क्लच प्लेट जा सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वक्त हम लोग विंदर पे मौजूद हैं और आज की बड़ी लॉन्ग राइड होने वाली है, जिसमें इंशाल्लाह सपट, उड़माड़ा, भूजी को और आगे गवादर टेन ईरान बॉर्डर। तो ये अभी प्लान है, देखते हैं कि इंशाल्लाह कहाँ कहाँ तक जा पाएंगे। बाकी ये बाइक है हसन भाई की, ये लाहौर से आई है स्पेशली गवादर का ट्रिप करने के लिए। तो चलते हैं आगे। आज 2 फरवरी है, सुबह 9 बजे कराची से निकले थे, तकरीबन 1 घंटा हो गया अभी हमें निकले हुए। अभी तक 69 किलोमीटर्स हो चुके हैं कराची से। अब फ्यूलिंग वगैरह करवानी है विंदर से, दैन में इंशाल्लाह 0 पॉइंट, दैन भूजी को। तो चलते हैं अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं, आपको तमाम डिटेल्स में बताऊंगा। विंदर में फ्यूल रेट 208 चल रहा है, तो मैंने इनको बोले 10 लीटर फिल कर दें, बाकी इंशाल्लाह फिर आगे से। फ्यूल ये साफ है, मशीन लगी हुई है इसलिए। प्रिंसेस ऑफ होप पहुंच चुके हैं हम लोग, और ये रही दूसरी सीबी ऑरेंज वाली, और ये मेरी बाइक। अभी तक हम लोग 104 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। अब ये रहा मकरान कोशला हाईवे, इंशाल्लाह इस पे चढ़ जाएंगे बस। बारिश अभी भी यहाँ पर हल्की फुल्की हुई थी, और ये रोड वगैरह गीले हैं, बाइक की हालत देखें कैसी गंदी हुई है फुल टाइम। चलते हैं अब आगे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजर रहा है। आगे अब इंशाल्लाह सपट के बोर्ड पे रुकेंगे, वहाँ मैं आपको अपडेट दूंगा, थोड़ा सा रास्ता दिखाऊंगा, बीच में चेक पोस्ट आती हैं 2-3, और फिर इंशाल्लाह अभी हम लोग पहले सपट जाएंगे। सपट के बोर्ड पे हम लोग पहुंच चुके हैं, और तकरीबन इस वक्त 12 बज रहे हैं। अब सीधा ट्रैक है, पहले मड वोल्केनो करेंगे, दैन सपट भूजी को। 187 किलोमीटर्स अभी तक कवर कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा चल रहा है। तो चलते हैं अब। फ्यूल अभी तक वही चल रहा है जो मैंने 10 लीटर डलवाया था, और ये कंडीशन है फ्यूल की, आधे से थोड़ा कम है। इंशाल्लाह सपट आना जाना हो जाएगा, फिर इसको कुंडमरीर पर जो है फिलअप करवाएंगे। तो चलते हैं अब आगे। मड वोल्केनो रोड से तकरीबन 4.5 किलोमीटर अंदर है, जिसमें 3 किलोमीटर की पक्की सड़क और उसके बाद 1.5 किलोमीटर को ऑफ रोड है। आप लोग बआसानी यहां अपनी गाड़ी पर आ सकते हैं।
तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और ये सीढ़ी है इसकी कोई 400, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट अभी याद नहीं आ रहा, मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अब ये चढ़नी है, ये रही दोनों बाइक्स, बाइक्स की बहुत बुरी हालत है बारिश की वजह से, तो चढ़ते हैं अब ऊपर। सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट कर दी हैं और मेरे ख्याल से ये 400 साढ़े 400 सीढ़ियाँ हैं, मुझे अभी एग्जैक्ट नंबर याद नहीं आ रहा, देखते हैं कितनी देर में होती हैं ये। मड वॉल्केनो की सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कोशिश करें कि अपने साथ एक पानी की बोतल लाजमी रखें, क्योंकि सांस बहुत फूलती है और ऊपर जाके आपको नौजी फीलिंग सी भी आ सकती है, तो कोशिश करेंगे ठहर ठहर के करें थोड़ा थोड़ा करके। ना ऐसे ही अचानक से जो है ना यूँ फूटता है इधर इधर भी और ये पूरा, हाँ ये बिल्कुल ना इधर उधर ये बहकर आ रहा होगा। ओए होए होए आ जाओ भाई, चलो भाई निकलते हैं, अभी गुस्सा कर रहा है, बोल निकलो यहाँ से। ये देखे ना यहाँ से बहना स्टार्ट हो गया, ये आ गया, ये बह रहा है। अच्छा भाई ये मड वॉल्केनो है फुल टाइम इस वक्त एक्टिव होगा गुस्से में, इवन यहाँ से बहना भी स्टार्ट हो गया, वो वहाँ से कंटिन्यूसली जो है बुलबुले और गुब्बारे फूट रहे हैं। ये देखें बारिश का भी मौसम हो रहा है, कहते हैं कि बारिश के मौसम में ज़्यादा एक्टिव होता है, यहाँ से जो है लावा फ्लो होना स्टार्ट हो गया। हसन भी ज़रा चेक किया गर्म हो रहा है ये बाकी बाकी गर्म है भाई, चलो फुल टाइम गर्म हुआ, गुस्से में भी गर्म हुआ भाई ये, पर हमारा जाना लाजमी बनता है। तो भाई सीढ़ियाँ चढ़कर वापस आ चुके हैं, इस वक्त हालत बुरी हो रही है, सांस वांस फूल रही है। अब निकलेंगे सपट के लिए, सपट आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ से 16 किलोमीटर्स है और बहुत भूल भुलैया है डेजर्ट में, तो चलते हैं अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये रोड सीधा गांव को जाता है और उससे एक रोड और टर्न होता है राइट साइड पर, वो जाता है सपट बंदर को, और ये जो लगे हुए पत्थर ये एक ट्रैक निकलता है, ये जाता है सपट बीच को। तो अब हम लोग सपट बीच जा रहे हैं, देखते हैं ट्रैक कितनी देर में होता है, अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। सही का अब ऑफ रोड होने वाला है, फुल रेती रेत में। सपट बीच का ट्रैक किसी एडवेंचर से कम नहीं, ये पूरा डेजर्ट का ट्रैक है और रेत ही रेत, मट्टी मट्टी होती है। जो लोग एडवेंचर के शौकीन हैं और जिनको ऑफ रोड बहुत पसंद है, वो इस ट्रैक पर लाजमी आए और इस ट्रैक को लाजमी करें। मगर इस ट्रैक पर आने से पहले थोड़ी सी यहाँ की अपडेट ज़रूर लें कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बारिश तो नहीं हुई, अगर यहाँ पर बारिश हुई है तो आप यहाँ पर आने से गुरेज करें, क्योंकि बारिश में आपको स्टार्टिंग में तो ट्रैक बहुत अच्छा मिलेगा क्योंकि डेजर्ट की रेत बैठी हुई होगी और मज़े से बाइक चलेगी, मगर जो आगे आप लोगों के लिए असल एडवेंचर तैयार होगा वो फिर देखा नहीं जाएगा। तो कोशिश करें कि बारिश के दिनों में इस ट्रैक को ना करें और ऑफ सीज़न में इस ट्रैक को ना करें, वरना आप लोगों की ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है, उसका रीज़न आपको आगे इसी वीडियो में पता चल जाएगा। ये सपट को ऑफ रोड कर रहे हैं हम लोग और अभी ऑफ रोड स्टार्ट हुआ है, तकरीबन ऑफ रोड के हमने 3-4 किलोमीटर्स कर लिए हैं अभी तक। तो खैर ट्रैक काफ़ी अच्छा है क्योंकि बारिश हुई थी रात में और पिछले 2-3 दिन से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, इसीलिए मिट्टी काफ़ी हद तक तो बैठी हुई है और इस वजह से जो है ट्रैक कंपेरेटिवली जो है आसान हुआ है, जैसे पहले हुआ करता था जब बारिश नहीं होती थी, जिस सीज़न में बारिश ना हो उस सीज़न में ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी तो खैर बारिश हुई भी इस वजह से ट्रैक काफ़ी बैठा हुआ है, रेत वेत काफ़ी जो है बैठी हुई है। क्योंकि बाइक काफ़ी जो है कंट्रोल में रखनी पड़ती है, ज़रा सी गलती बाइक और आप दोनों कल्टी। मैं इस ट्रैक पे चले जाता हूँ, वो ट्रैक थोड़ा आगे जाके मुश्किल हो रहा है।
पीछे सेंटर में जो है ना, ये मेरे ख्याल से रेत बैठी हुई है सेंटर में, लेकिन कुछ पता नहीं होता ना, अगर कीचड़ फॉर्म हुई तो फिर वो धड़ाम करके बाइक स्लिप हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से यहाँ से सैलाबी रेला वगैरह क्रॉस हुआ होगा। अच्छा, इस ट्रैक का ना ये भी वो है कि आप लोगों ने बार बार रुकना नहीं है, क्योंकि अगर आप रुकेंगे ना फिर वो दोबारा से मोमेंटम गेन करना मुश्किल हो जाता है। देखें बाइक कैसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई है। आई थिंक मैं ट्रैक पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि साइड का कुछ नहीं पता इस वक्त, कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर बाइक बड़े जो है कंट्रोल के साथ चलानी पड़ रही है, तीसरे गियर में, दूसरे गियर में। भाई हालत पतली हो रही है अब। उफ, उफ। लेकिन स्टिल हम ऑफ रोड को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, इस ऑफ रोड पे आप लोग जब भी आएँ क्लच प्लेट्स का बड़ा ख्याल रखें, क्लच प्लेट जा सकती हैं। और ये बाइक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, दोबारा से चलते हैं। बहुत ज़्यादा रेत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, हसन भाई डबल पे हैं और इनके पास भी सी बी है, इनकी ही ज़्यादा बस हुई भी है। सामान भी हम लोगों ने फुल टाइम लोड किया हुआ है, ट्रैक इतना ईजी नहीं है। देखिए हाथ वगैरह फुल टाइम लाल हुए हैं। ओए होए, बस ट्रैक ऑलमोस्ट एंड पे है, कर लिया भाई हमने थोड़ा सा, बस मैदान और करना है बस। ओए होए होए होए, जिसे कहते हैं ना एक्सरसाइज सही वाली। ओए देखिए, हम लोग जरा सा रुके ना, सारा मोमेंटम हमारा टूट गया। रुकना नहीं है इस ट्रैक पे, बस चलते जाओ आप लोग, क्योंकि अगर रुके ना तो फिर मोमेंटम सारा टूट जाता है। हसन भाई की हिम्मत को सलाम है कि वो पिलियन के साथ ये ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि अपना बैग में उतार दूँ। और यह बाइक मट्टी में धंस रही है। आगे जाके वीडियो बनाए जरा। ओए, इस वक्त तो हेलमेट भी बहुत काट रहा है। कहीं कोई आसपास पूल वगैरह हो, नहर वगैरह हो। ओए होए, तो गाइस ये सिचुएशन है। क्लच प्लेट्स का भी बहुत ध्यान रखना है। पैर लगाए बगैर निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है।
यार ऑफ रोड। चलो थोड़ा सा साफ पैच आ गया हैं? ये तो हुई भी है बारिश। ये देखिए इस सर्दी में पसीने आ रहे हैं फुल टाइम, ऐसी बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है ना। होय होय, कब से सामने ही है। ओए हम भी यहाँ से ही चलते हैं, ये थोड़ी सी जमी हुई है ना मट्टी, ये फिर भी सेट है। जितनी मट्टी नरम उतना मामला ख़राब। थोड़ा मैं इस तरफ चलता हूँ ज़रा। अरे अरे उनकी भाई गिर गई, हसन भाई गिर गए। अरे हे हसन भाई गिर गए। चलो खैर हो गई, आपकी हिम्मत को सलाम है, आप पिलियन के साथ कर रहे हैं। आपकी हिम्मत को सलाम है, आप पिलियन के साथ कर रहे हैं ट्रैक। बस बस आ गया। ये बैग मैं टांग लूं? ये है थोड़ा ना, ये जहाँ जहाँ पर जमी हुई है मट्टी वहाँ वहाँ पे चलाएं, वहाँ टायर स्किड नहीं हो रहा। ये जहाँ जैसे मट्टी जमी हुई है ना इस पे चलाएं, ये सॉलिड है। ये थोड़ा ना इस तरफ से अगर हम चलाएंगे ना तो फिर ये थोड़ा ट्रैक सॉलिड है, लेकिन अब ये भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो रहा है। वो तो बहुत रेत है यहाँ भी, वो इतनी ही रेत है, मगर यहाँ का हिसाब किताब ये है कि आमदोरफ नहीं है ना, इस वजह से जो है ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है, लेकिन जैसे ही हम अपना टायर गुजार रहे हैं ये भी सॉफ्ट हो रहा है। तो सब रेती रेत होती है। और जो बिल्कुल न्यू राइडर्स हैं उनको मेरा मशवरा है, भाइयों वाला मशवरा है कि पहले बलूचिस्तान के आप कुछ और ट्रैक्स कर लें ऑफ रोड के, देन फिर आप सफर ट्रैक करें। अगर आप फर्स्ट बिल्कुल जैसे आपने राइड स्टार्ट किया, आपका नया नया शौक है, आप सफर आएंगे ना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे। पहले थोड़ी सी अपनी ऑफ रोडिंग की स्किल्स किसी और ट्रैक पे पॉलिश करें, और ट्रैक्स करें, देन फिर आप आएँ सपट, आपको मज़ा आएगा फिर ऑफ रोड करने में, अदरवाइज़ आप लोग बहुत थक जाएंगे। ये तो प्योर रहे थे जिस पर मैं जा रहा हूँ, अब आई थिंक ट्रैक पे आ जाता हूँ। ये भी मट्टी काफ़ी जमी हुई है, जब भी बाइक थोड़ी आराम से चल रही है। सामने साहिल नज़र आने स्टार्ट तो हो गया, देखते हैं सपट कहाँ है, बूजी को कहाँ है। देखिए ये सब बड़े बड़े ड्यून्स बने हुए मट्टी के।
ऑलमोस्ट पहुंच गए हम लोग बूजी को, वो आपको छोटा सा नज़र आ रहा होगा, और वो जा रहे हसन भाई छोटे से। अब ट्रैक काफ़ी बेहतर हो गया है, बिल्कुल अब सीधा मैदान मैदान है और मिट्टी भी जमी हुई है। यहाँ बाइक स्लिप हो रही है, स्लिप हो रही है, बाइक स्लिप हो रही है, एबिलिट स्लिप हो रही है। यहाँ बाइक काफ़ी स्लिप हुई है, डस गई बाइक, अंदर डस गई। काफी गीला हो रहा है ये, कहाँ लें कहाँ लें गाइस, ये तो काफी गीला हो रहा है। मेरे अगला व्हील लॉक हो गया, कीचड़ जो है इसमें बुरी तरह से फंस गई है, मूव नहीं हो रहा। अब इसने मूवमेंट स्टार्ट किया अगले व्हील ने हल्की फुल्की, फुल टाइम लॉक हो गया बिल्कुल अगला व्हील। बहुत कीचड़ है, बहुत ज़्यादा, घूमी गया फ्रंट व्हील। अरे भाई फ्रंट व्हील नहीं घूम रहा, कीचड़ लॉक हो गई। उफ, ये देखें अचानक से कीचड़ वाला पैच आया, मुझे रोकनी नहीं चाहिए थी, मैंने रोक के गलती करी। आई थिंक उतरना पड़ेगा, ये तो बाइक के अंदर धस रही है। बस वो रहा सामने, पीछे जितने मजे किए ना एंड में ये मसला हो गया। लेकिन किसी सॉलिड कीचड़ है, बिल्कुल लॉक हो गई है बिल्कुल, तो निकालने वरना इसके बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई जान हेल्प हेल्प हेल्प। तो बाइक कीचड़ में बुरी तरह फंस चुकी है, सपट पे निकालते हैं इसको। चलो भाई बिस्मिल्लाह, ध्यान से निकल गया। नहीं निकला यार, मैं आपको बता रहा हूँ इसका सामान बता दें, इससे पहले कि हम भी दलदल में फंस जाए। बाइक हल्की हो जाएगी, छोड़ दो बाइक, छोड़ दो, मैं पकड़ लिया सामान। सामान इतना भारी नहीं है, सामान यानी बहुत भारी है, सामान हट जाएगा ना हम बाइक उठा के ले जाएंगे उधर। बुरी तरह कीचड़ फंसी हुई है, अबे भाई फुल टाइम दलदल हो रहा है। एक मिनट आसान भाई हटे, मैं बैठता हूँ, नहीं मैं बैठूं। किधर प्रोग्राम तो बढ़ गया। मोए 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 हो गया ये तो भाई, मट्टी देखो आप लोग कितनी है, वो देखो ओ रहा सपट बूजी को, बस पूरा जरा सा आगे, यहाँ हम लोग फंस गए हैं। 2 से 3 किलोमीटर मैदान चटेला, 2 से 3 किलोमीटर है यहाँ से और आगे।
अब देखते हैं, भूख भी शदीद लग रही है इस वक्त, 3:15 हो रहे हैं।